तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एमएस एक्सेस के अंदर में क्यूरी के बारे में। क्यूरी के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में एक्सेस में पढ़ा था कि क्यूरी क्या है, और हमने आपको बताया था कि एक्सेस के अंदर में हम क्यूरी विज़ार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम बात कर रहे हैं आप डिजाइन क्यूरी के बारे में। क्यूरी विज़ार्ड में जैसे आपने इस्तेमाल किया, तो क्यूरी विज़ार्ड में क्या था, एक बने बनाए सैंपल्स थे, ठीक है, बने बनाए सैंपल्स थे, तो इसलिए हमने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे खुद का क्यूरी चाहिए, तो मतलब अपने अंदर कंडीशंस और बहुत सारी कैलकुलेशन वगैरह इस्तेमाल करना है, इसलिए चाहिए, समझ गए। तो मैं ये प्रीवियस क्यूरी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए किया डिलीट एंड हमने क्यूरी डिलीट कर दिया। तो क्यूरी विजार्ड, सॉरी डिजाइन में मैंने बोल दिया, फॉर्म आ गया रिपोर्ट्स। क्यूरी विजार्ड के लिए याद रखिएगा आपको कोई टेबल सिलेक्ट करना, क्यूरी विजार्ड के लिए आपको पर्टिकुलर टेबल सिलेक्ट करना पड़ा था, इसलिए कोई डिजाइन क्यूरी पे क्लिक करें और आपके सामने आ जाएगा कि आप क्यूरी पे भी क्यूरी लगा सकते हैं और क्यूरी को भी टेबल को भी क्यूरी लगा सकते हैं। फिलहाल हम टेबल पे चलते हैं। टेबल पे आए, टेबल पे आने के बाद हमारे पास इतने सारे कॉलम्स है। अब मुझे इस कॉलम का पूरा डो डेटा चाहिए, तो मैंने एक बार पूरा डेटा। अब इसमें हम कंडीशंस की बात करें, जिसकी लास्ट क्लास में बताया था कंडीशन चाहिए, अलग अलग कंडीशंस है, जैसे कि हमें सब कैटेगरी में चाहिए कि फीमेल होना चाहिए, क्राइटेरिया में एफ, इक्वल टू एफ, इनवर्टेड कॉमा लगा दीजिए, ठीक है, और इसको अनचेक कर दीजिए वरना दो दो बार दिखेगा। उसी तरह से अगली क्राइटेरिया चाहिए कि जोन चाहिए, क्वार्टर, क्वार्टरली जोन चाहिए हमें, हमने सेलेक्ट किया क्वार्टरली जोन आ गया, इसको भी क्लिक किया, भाई इसमें भाई क्वार्टर वन होना चाहिए, राइट। उसी तरह से यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, एमआरपी एंड अमाउंट, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अमाउंट ले रहा हूँ और मुझे इसमें टैक्स चाहिए, तो मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, अमाउंट ऑलरेडी ले चुका हूं, मुझे टैक्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टैक्स लिया, ठीक है। और टैक्स में यही पे मैं लगाया और मैंने बोला इसमें कि अमाउंट इनटू 10% मल्टीप्लाई बाई 18%। 10%। हाँ ओके। अब इसमें परसेंट का सिंबल नहीं लेगा, तो हमें जीरो पॉइंट, 0.01 नहीं था। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अनचेक। मेरा कैलकुलेटिव आइटम सिलेक्ट हो गया, तो मैं इसको यस करता हूँ क्यूरी वन, और यहाँ पे देखिए क्यूरी वन में जो क्राइटेरिया हमने किया था उस क्राइटेरिया को मैच नहीं हुआ, इसलिए सब कैटेगरी में, अच्छा कैटेगरी था, सब कैटेगरी में मेल फीमेल था हमारा। मैं इसको हाँ डिजाइन मोड में ओपन करता हूँ, सब कैटेगरी। कैटेगरी है फीमेल हाँ आना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ जोन हटा देता हूँ। अच्छा हाँ, जोन था ना, जोन में यहाँ पे साउथ चाहिए, साउथ चाहिए, तो जोन में हमने ये दे दिया था क्यू पार्ट। वन ले लिए थे। हाँ समझ गया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब देखिए डेटा आ गया, और यहाँ देखिए हमारा हाँ टैक्स भी कैलकुलेट, टैक्स कैलकुलेट हो गया। हाँ ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्राइटेरिया, आप क्या क्या कंडीशन लगा सकते हो याद रखिए। एक तो कंडीशन हमारे पास है कि आप इसमें से कि अब हम कंडीशन कई तरह के लॉजिकल कंडीशन के बारे में जानिए, जैसे कि हमने अमाउंट एमआरपी लिया, ठीक है। लॉजिकल कंडीशंस जो है अलग अलग होते हैं, जैसे कि अगर आप नंबर्स ले रहे हैं तो नंबर्स के ऊपर आप ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू लगा सकते हो। ओके ठीक है, तो हमने बोल दिया ग्रेटर देन, हमने बोल दिया 50, तो क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 होगा तो ओपन होगा। तीन चाहिए इसमें कि भाई 50 टू 80 के बीच में होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एन लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा लेस देन 80, तो 50 से बड़ा और 80 से छोटा लेगा। जैसे मुझे साउथ के अंदर में, मुझे इसके जोन के अंदर साउथ एंड नॉर्थ चाहिए, तो मैं यहाँ पे और लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमा में नॉर्थ। ठीक है, ये साउथ और नॉर्थ। तो एंड का इस्तेमाल कब होगा, जब मेरे पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया और क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई नंबर 50 से बड़ा और 80 से छोटा हो सकता है, लेकिन जोन के अंदर में ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सेल साउथ भी हो और नॉर्थ भी हो। तो यहाँ पे एंड लगाना पॉसिबल नहीं है, और लगाया नॉर्थ साउथ और नॉर्थ दोनों में से कोई एक ले लेना है। अब मान लीजिए आपके पास क्राइटेरिया ज्यादा है, तो नीचे और वाला ऑप्शन है ना, इसमें भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ईस्ट इन्वर्टर कमा लिया और तो एयर क्या हुआ। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, देखिए सेव। अब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे देखिए आपको साउथ जॉन और ईस्ट दोनों ले लिया, और ले लिया। बट यहाँ पे हमने हमारा क्वांटिटी वाला ऑप्शन नहीं चला, क्योंकि हमने बोला था 50 से बड़ा और हाँ 80 से कम, क्यों नहीं चला, क्योंकि ईस्ट के आगे कुछ है ही नहीं। अगर आप लाइन चेंज करते हो तो एक कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करना है आपको, समझे। ईस्ट के अब अगले वाले कॉलर में तो कोई ही नहीं, तो ईस्ट उठा लिया और यहाँ भी आपको एफ करना पड़ेगा। ठीक है, तब उठा गए। तो क्राइटेरिया में ध्यान रखिएगा, अगर आप लाइन चेंज करते हैं तो फिर ओवरऑल होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, लाइन कब चेंज करेंगे, जैसे कि आपके पास कई सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पहले देना, पहले मुझे साउथ और नॉर्थ चाहिए जिसका ग्रेटर देन 80 हो, फीमेल होना चाहिए। साथ में मुझे ईस्ट चाहिए मेल का, मैंने बोला यहाँ पे मुझे मेल का ईस्ट भी चाहिए, समझे। ऐसी मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास क्वांटिटी लेस देन 50 होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एनसीआर करना चाहता हूं, समझे। एनसीआर का मेल और फीमेल दोनों लेगा, लेकिन लेस देन 50 लेगा। ये तीनों कैटेगरी का डेटा आपके यहां शो करेगा। समझ गए। अब इसमें हमने हमने लॉजिकल कंडीशन नंबर पे देखा, टेक्स्टली इक्वल होता है और लाइक होता है, इक्वल और लाइक लाइक। जैसे कि हमने सिटी ले लिया, मान लीजिए कि इस सारे कंडीशन में हम एक और कंडीशन सिटी का ऐड करते हैं, ऐड किया। अब सिटी के कंडीशन में कहीं पे दिल्ली हो सकता है, कहीं पे न्यू दिल्ली हो सकता है, तो मैंने स्टार लगाया और यहाँ पे दिल्ली और स्टार दे दिया। ओके, लाइक कमांड इसको बोलते हैं, तो लाइक कमांड चले गया, मतलब कि हो गया कंटेन विद दिल्ली। अब दिल्ली कहीं भी होगा, आगे हो पीछे हो बीच में हो, हर चीज में दिल्ली ले लेगा। अब इसके भी एक रूल है, जैसे कि मैंने दिल्ली स्टार और दिल्ली लिख दिया, ठीक है ना, ये क्या हो गया पता आपको, ये हो गया एंड विथ दिल्ली, और मैंने लिखा दिल्ली और स्टार, ये हो गया स्टार्ट विथ दिल्ली। ओके समझे, और एक बार बताइए सर। ये हो गया कंटेन, ये हो गया एंड विथ, ये हो गया स्टार्ट विथ स्टार्ट। हाँ समझ गया, समझ गया। आप
पहले स्टार्ट दे दिया ना, और दिल्ली दिल्ली पहला वर्ड होना चाहिए, दिल्ली के बाद चाहे जो भी हो। इसमें क्या है कि आगे जाए जो लगाओ, सबसे लास्ट वर्ड दिल्ली होना चाहिए। हाँ। और ये है कि आगे हो पीछे हो बीच में चाहे जहां भी हो, लेकिन दिल्ली होना चाहिए। समझ में आया? जी सर। नहीं, डाउट ये है सर कि मान लीजिए अभी जोन में ना सर, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रहा है मेरा सर? हाँ, आ रही है सर। अभी जोन में साउथ और नॉर्थ है, और उसका पैरेलल जो रो है सर, उसमें दिल्ली स्टार स्टार दोनों आगे पीछे। हाँ, तो ये तो ये चलेगा ना, तीनों पे चलेगा। यहाँ पे बताया ना आपको, लाइन में लाइन होता है कि ये इसके अकॉर्डिंग भी इसका भी डेटा देगा, इसका भी डेटा देगा, और इसका भी डेटा देगा। अच्छा, ठीक है, समझ गया ना। मतलब कि साउथ और नॉर्थ में फीमेल और 50-80 के बीच में, और दिल्ली का डेटा देगा। इसमें मेल और ईस्ट होगा, वैल्यू चाहे सारा ले लेगा, लेकिन दिल्ली का होना चाहिए। इसमें एनसीआर लेस देन 50 और दिल्ली होना चाहिए। तीनों डेटा लेगा, तीन अलग अलग कंडीशन, अलग अलग चीजें। अब एक चीज और भी होता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, नहीं इसमें क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा में डाला मैं, लाइक के साथ लाइक इन्वर्टेड, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है कि चाहे जो भी हो, तीन डिजिट का होना चाहिए। अच्छा, समझ गए? चाहे जो भी हो, तीन डिजिट का होना चाहिए। तो ये आपके जो ग्रेटर देन लेस देन वाला ऑप्शन था, वो आपके नंबर पे एप्लीकेबल थे, डेट पे एप्लीकेबल था, और टाइम पे एप्लीकेबल था। और ये आपका टेक्स्ट पे एप्लीकेबल है। समझ गए? जी सर। तो ये आपकी कंडीशन हो गई कि कंडीशन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। कंडीशन के बाद हम कैलकुलेशन की बात किए कि आप अपने डेटा के अंदर में कैलकुलेशन, मतलब कि अगर कोई नई फील्ड कैलकुलेटेड फील्ड को ऐड करना चाहते हो तो भी ऐड कर सकते हो। कैलकुलेटेड फील्ड की अगर बात हो रही है, तो इसमें हमने जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन की प्लस माइनस गुना भाग जो भी आप यहां लगा सकते हो। तो पहला आपने लिखा टैक्स, ये आपका हेडिंग होता है, और हेडिंग के बाद सेमी कॉलन होता है, उसके बाद जो है आपको अपना कैलकुलेशन लिखना है। समझे? कॉलन होता है, सेमी कॉलन, कॉलन होता है। अब यही नहीं, आप चाहो तो इसमें जैसे मैंने लिख दिया आर टैक्स राउंड, मतलब इसमें आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं। अब प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला मुझे पता नहीं थे कैसे आएगा, तो राइट क्लिक कीजिए और इसी की बिल्ड में जाइए। ओके, दिख रहा है? बिल्ड पे जाने के बाद आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन बिल्ड आ जाएगा। अच्छा, ओके। फंक्शन, तो फंक्शन में यहाँ देखिए एस डेटा का कोई अपना फंक्शन है या वेब सर्विस का कोई अपना फंक्शन है कि नहीं है, तो दोनों नहीं है। इसमें हमारा बिल्ड इन फंक्शन का ऑप्शन है। मैंने एस डेटा मतलब क्या हुआ कि आपने वीवी के थ्रू कोई फंक्शन बनाया तो नहीं है। समझे? उसके लिए है बिल्ड इन फंक्शन की कैटेगरी, जिसको आपने इसमें देखा था, तो किसमें देखा था? नंबर में, नंबर में टेबल डिजिट के में, टेबल की कैलकुलेटेड फील्ड में देखा था आपने। हाँ हाँ। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन वर्क नहीं कर रहे थे, इसमें इसमें लेकिन सारे फंक्शन वर्क करते हैं जी। उस टाइम में कुछ फंक्शन भी काम नहीं कर रहा था। हाँ, देखिए इसमें सारे फंक्शन वर्क करेंगे, जैसे कि हमने मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में लिया, राउंड का फंक्शन, राउंड का फंक्शन, यहाँ पे एक्सप्रेशन आया ना, इस एक्सप्रेशन को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है? एक्सप्रेशन वो कॉलम की हेडिंग होता है, राउंड डायरेक्ट लिखिए, राउंड में क्या होगा? टैक्स कॉमा जीरो एंड ओके कीजिए, और फिर इसको यहां पे रन, तो क्यूरी को रन कीजिएगा, तो देखिए आपके पास आर टैक्स का आ गया।
क्या सर? जी तो इसी तरह से और भी बहुत सारे फंक्शन जो है आप अप्लाई कर सकते सर मेरा हैं। जैसे कि मैं एक डेटा क्रिएट करता हूं छोटा सा, इसमें मैं देता हूं, मैं इसकी डिजाइन व्यू में चला जाता हूं। कुछ पूछ रहे थे क्या आप? मेरा एक क्वेश्चन कर लीजिए सर, मैं पूछूंगा फिर। सी नेम, सी डेट, डेट में डेट डाल दिया, एंड हाँ ये दे डाल देना, इतना ही डाल देना। चलिए हम नेम एंड डेट डालते हैं जी टेबल में। नेम यहाँ पे मान लीजिए पूजा, और हमने डेट जो है 2 महीना पहले का डाल दिया। ठीक है, और भी हो सकता है, फिलहाल हम इतना रखते हैं। अब चलिए इस पे हम क्यूरी बनाते हैं। क्रिएट क्यूरी विजार्ड, डिजाइन हम सी टेबल वन। टेबल को लेते हैं। पहले हाँ तो पूरा डेटा ले लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे डेट है तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ डेज, कि करेंट सिस्टम डेट से अभी कितना दिन हुआ ओके है। तो मैं बिल्ड में गया और हम यहाँ पे फंक्शंस डेज नाम का फॉर्मूला है हमारे पास, फंक्शंस क्या में है डेज में। हाँ है सर, फंक्शंस डेज के नाम का फॉर्मूला नहीं है? इस एक्सेल में, नया एक्सेल में आया है डेज, इसलिए देख रहा था। डेट एंड टाइम में देखिए ना, आपका डे है, डेज नहीं है। कोई बात नहीं, डेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम यहां करेंगे टुडे माइनस डेट माइनस सी डेट, तो हमारा नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। गया। ठीक है, अब मुझे इसमें देना है कि एन, इस जो डेट डाला हुआ है सी डेट का, महीने का एन डेट क्या है। ठीक है, ऐसे मैं यहां पे राइट क्लिक कराता हूं और मैं बिल्ड में जाता हूं, फंक्शन में आता हूं, बिल्ड फंक्शन डेट एंड टाइम का है। इसमें देखिए इसमें होगा ईओ मंथ, ये ठीक था। है। हाँ ईओ मंथ, एक्चुअली तो ईओ मंथ था। इसमें क्या है, एक बार दिखता हूँ, भूल गया। एक बार देखिए, डेट है, डेट डिफरेंस, डेट पार्ट, डेट वैल्यू, डे आवर, इज डेट मिनट, मंथ, मंथ नेम, नाउ सेकेंड, टाइम, वीकेंड, वीकडे, ईयर। नहीं, मंथ के लिए तो कोई है ही नहीं इसमें, एंड डेट के लिए कुछ नहीं है इसमें तो। आया नहीं इसमें क्योंकि एक्सेल तो आगे है। ये आपका होता है सिस्टम, ये देखिए यहाँ पे बताता हूँ, सी डेट, सी वी डेट, ये आपका डेट हुआ, रिटर्न करता है डेट, सिस्टम रिटर्न करता है स्ट्रिंग में डेट। ऐड डेट में कोई पर्टिकुलर ऐड करना चाहते हो उसके लिए होता है डेट डी आई एफ, डेट में डिफरेंस होता है, डेट की पार्ट हो गई, उसमें से कोई पार्ट निकालना चाहते हो, जैसे कि डेट में से मंथ निकालना चाहते हो, डेट में से ईयर निकालना चाहता हूँ, तो उसके ओके लिए इस्तेमाल होता। अब डेट सीरियल क्या होता है कि आपके पास अलग अलग ईयर मंथ डे है तो उसको मिला के डेट बना सकते हो आप। डेट वैल्यू अगर डेट स्ट्रिंग में है तो डेट वैल्यू उसको कन्वर्ट करके नंबर में लाता है, इसमें लाता है, डेट में लाता है। डे क्या करता है, डेट में से डे को रिटर्न करता है, आवर आवर का, इस डेट का है, रिटर्न द बुलियन। बोलिए आप किसी ने इनपुट
डेट फॉर्म दिया है या नहीं दिया है, ऐसे मिनट मिनट अलग करता है, मंथ मंथ अलग करता है, मंथ नहीं मतलब कि अगर वन है तो वन को जैन में कन्वर्ट करता है, नाउ डेट एंड टाइम दोनों देता है, सेकेंड टाइम 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 ऑन एंड डेट के लिए नहीं है, एक्सेल में होता है ईओ मंथ। हाँ एक्सेल में तो है एंड ऑफ मंथ, हाँ एक्सेल में आपके पास ईओ मंथ होता है। इसके बारे में हम देखिए बताते हैं आपको, ठीक है। डेट पार्ट में ईयर क्वार्टर मंथ ईयर डे ऑफ ईयर वीक डे वीक मंथ मंथ सेकंड नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ, इसके लिए कोई रिसर्च के बताता हूँ आपको, ठीक है ठीक है सर, ठीक है ओके सर। ओके। एक तो क्वेश्चन था अब क्या पूछा जाता है, पूछिए तो। सर, नॉर्मल एक टेबल में मैं एक वैलिडेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा जो फिगर है ये टेबल में मैं, एक टेबल में वैलिडेशन लगाना चाहते हो आप, हाँ ओके तो लगाओ, क्या दिक्कत है। वैलिडेशन नहीं हो रहा था जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया, ठीक है, जी। मोबाइल नंबर में हम टेक्स्ट है हमारा, बाइट। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे 10 फील्ड की साइज जो है 10 होनी चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको 255 की जगह 10 दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं 10 ही एंट्री होनी चाहिए, दैट वैलिडेशन में जाएंगे और यहां पे लगा देंगे कि लेन, लेन में क्या देंगे बड़ी ब्रैकेट में मोबाइल, अच्छा ओके मोबाइल इज इक्वल टू 10, और वैलिडेशन का टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा प्लीज इनपुट प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, 10 डिजिट, ठीक है। वैलिड्स कुछ लिख रहे हैं, समझ गए, हाँ समझ गया। और एक क्वेश्चन है सर, और कोई क्या बोल रहा है, परसेंटेज इसे 10 डिजिट भी नहीं ले रहा है, ये कुछ ले ही नहीं रहा है, माफ कीजिएगा गलती होगी, छोटी सी गलती होगी इसमें, मैं गलती सुधार देता हूँ। इक्वल नहीं लगाना है, ठीक है, फॉर्मूला लिखते समय जब इक्वल लगाया था वो इक्वल नहीं लगाना है। चलिए आगे पूछिए, क्या पूछे, नहीं आगे सर, मान लीजिए मैं, मेरे को परसेंटेज देना है तो उसको किस क्या परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज परसेंटेज क्या करना है, हाँ परसेंटेज लिखना है मेरे को 10% 15%। अच्छा आप जो डेटा में इनपुट लेना चाहते हो एज ए परसेंटेज लेना चाहते हो, ये बोल रहे हो ना आप, जी जी ओके। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे रेट का ऑप्शन देता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, नंबर में लॉन्ग इंटीजर की जगह पे मैं लेता हूँ डबल, ठीक है, और इसका फॉर्मेट होना चाहिए परसेंटेज, दिखा दो, ओके परसेंटेज कर दीजिए, अब इसमें आप डालिएगा तो परसेंटेज आ जाएगा, तो मेरे को सर देना है 0.01%, 0.01% आगे 0.01, तो 0, हाँ 0.01 दीजिए, आ गया तो मेरे को नहीं आ रहा था क्या, मेरे को नहीं आ रहा था सर, अब मैंने आपको बोला है ना आपने तरीका गलत अपनाया था, आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे टाइप नंबर लेना है, फिर उसकी प्रॉपर्टी में जाना है, उसको परसेंटेज में डबल में करना है, यहाँ देखिए क्या करना है, डबल में करना है, फिर फॉर्मेट को परसेंटेज करना है, क्योंकि डबल में ही नहीं करोगे तो डेसिमल्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझे,
और सर पॉइंट के बाद मान लीजिए दो तीन डेसिमल भी लेना है, उसको कैसे करना है? क्या? पॉइंट के बाद मान लीजिए मेरे को देना है 0.0234। पॉइंट के बाद? अच्छा, डेसिमल पॉइंट बढ़ाना चाहते हो आप? हाँ तो यहाँ पे हाँ देखिए, डेसिमल प्लेसेस दिख रहा है आपको? यहाँ जी। पे यू किया ही नहीं है सर, सब यहीं पे दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे नंबर दे दीजिए आप। मेरे को सर लिखना है 0.023, नॉट परसेंटेज, आप ओनली जितना पॉइंट। पैलेस चाहिए आपको उतना नंबर चाहिए। आप कितना डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट रखना है तो 3 कीजिए, डेसिमल के बाद आपको 5 रखना है तो 5 रखिए, समझे? ऑटो कर देंगे तो जितना लिखेंगे उतना आएगा। हेलो, हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है सर, क्या हुआ? माइक के पास आइए ना, दूर क्यों चले जाते हैं? हाँ नहीं, वो स्पीकर में था उसके लिए। आवाज नहीं सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रहा है सर अभी? नहीं, हेलो, हाँ आप ठीक है? मेरे को सर लिखना था 0.011। अरे मैंने आपको बुलाया, मैंने बताया ना आपको कि जितना हाँ परसेंट आप रखोगे नंबर यहाँ पे उतना लगेगा, बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। आपको अच्छा 5 रखना है तो 5 कर देंगे, तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सेप्ट करेगा, वो राउंड नहीं करेगा उसको। ठीक है, समझ गया। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दिया 1.0001%, दिख रहा है आपको? ट्राई करके देखिए सर। ठीक है सर, ओके तो आज के लिए, क्योंकि आने का है, तो मिलते हैं जी कल। सर, जी सर, ओके ओके सर। बाय।